नमस्कार दोस्तों, द पॉलिटिकल वे में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ईश्वर तिवारी और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के बारे में, जिसमें खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की जो सांसद है उसमें 160 से ज्यादा सांसदों पर मुकदमे चल रहे हैं और उनकी कुल संपत्ति $35 अरब के आसपास है या उससे भी ज्यादा है और इन्होंने अपनी संपत्ति कहाँ कहाँ छुपा रखी है, जानेंगे सभी इसी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। अभी पाकिस्तान की जियो न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि पाकिस्तान की जो संसद है उसमें 160 से ज्यादा सांसदों पर कानून तोड़ने के आरोप में कई मुकदमे चल रही हैं और उनके ऊपर $35 अरब से ज्यादा संपत्ति होने का दावा किया गया है और इन्होंने अपनी ये संपत्ति यूरोपियन कंट्री में जमा कर रखी है। एक तरफ तो पाकिस्तान, जहां यूरोपियन कंट्री, गल्फ कंट्री और यहां तक कि चाइना के सामने कटोरा लेके खड़ा रहता है कि उसको दान के रूप में कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए, लेकिन पाकिस्तान भी एक ऐसा चेहरा है जो कभी भी सुधरने का नाम नहीं लेता और बस धर्म के नाम पर वहां की जो जनता है उसको भारत के खिलाफ बस भड़का के उनका ध्यान डाइवर्ट करके उनको अननेसेसरी बातों में उलझाता रहता है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सांसदों ने आज ये प्रूफ कर दिया है कि वो सच में किसी धर्म जाति के नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के हैं, क्योंकि $36 अरब से ज्यादा की संपत्ति उन्होंने अब तक पूरे यूरोपियन कंट्री में छुपा रखी है। और ये एक छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती है, ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है, क्योंकि चाइना ने जो पाकिस्तान में अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया था तो उसकी टोटल लागत भी $60 अरब के आसपास है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आधी से भी ज्यादा संपत्ति है जो सांसदों ने विदेशी बैंकों में छुपा रखी है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी पार्लियामेंट के सांसद इतना बड़ा करप्शन करते हो, लेकिन पाकिस्तान में केवल जनता को गुमराह किया जाता है नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर और अपना ही घर भरा जाता है। वहां पे सरकार के नाम पे तो कुछ है ही नहीं, आरबी का मिलिट्री रूल रहता है और वो जनता का पैसा लूटती रहती है भ्रष्टाचार करके, करप्शन करके। और जितने भी अब तक प्रधानमंत्री या मंत्री हुए या राष्ट्रपति हुए हैं उन्होंने ये प्रूफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार उनकी रग रग में दौड़ रहा है और उन्होंने भी करोड़ों की संपत्तियां विदेशों में जमा कर रखी है, चाहे उसमें नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान, चाहे ये 160 सांसद जिनका खुलासा जियो न्यूज ने अपने एक रिपोर्ट में किया है। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट है वहां के सदस्यों को अगर मिला दिया जाए तो पूरे देश में लगभग 1170 सांसद ऐसे हैं जिनमें से 161 पर कानून तोड़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज हो रखा है। हालांकि जियो न्यूज ने किसी भी सांसद का नाम नहीं लिया है अपनी सिक्योरिटी को देखते हुए, क्योंकि इससे पहले भी जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ थे वो तानाशाह बनकर बैठ गए थे और उन्होंने जियो न्यूज पर सैंक्शन भी लगा दिए थे। तो इन्हीं सैंक्शनों से डरते हुए पाकिस्तान के न्यूज चैनल जियो ने उनका नामों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार को ये आईना जरूर दिखा दिया है कि जहां वो भ्रष्टाचार को रोकने में नाकाम रहा है तो वहीं उसने विदेशों के सामने झोली फैलाकर वहां की जनता का, पाकिस्तान का बहुत बड़ा अपमान किया है, क्योंकि वो धर्म के नाम पर तो जनता को बांटते ही है लेकिन अपना असली चेहरा वो किसी के सामने नहीं आने देते। लेकिन ये एक ऐसा चेहरा है जो पाकिस्तान क्या पूरे दुनिया के सामने अब बेनकाब हो गया है कि वहां पे भ्रष्टाचार कितना बढ़ चुका है, क्योंकि $35 अरब से ज्यादा की संपत्ति वो भी भ्रष्टाचार के रूप में विदेशों में छुपाना एक देश के लिए शर्मनाक कंडीशन है। और तो और ये जो जितने भी बिलीनियर सांसद हैं ये इतने दुष्ट हैं कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस इतना तगड़ा चल रहा है, वहां पर डॉलर भी लगभग 180 रुपए के आसपास पहुंच गया है और पेट्रोल के दाम भी वहां पर आसमान छू रहे हैं, तो ये सांसद इतने बेशर्म है कि वहां की जनता के हित में या पाकिस्तान के विकास के लिए टैक्स भी पे नहीं करते। इसलिए ये जो खुलासा किया गया है ये 2018-19 के नेशनल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की निर्देशिका के आधार पर इसका खुलासा हुआ है। तो अब देखना होगा कि पाकिस्तान कहां पर अपना मुंह छिपाता है और इमरान खान जो अपने दम पर पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाने का दावा करते थे वो अब क्या इन सांसदों पर कार्रवाई करते हैं या नहीं। अब देखना होगा कि पाकिस्तान अब कहां पर अपना मुंह छुपाता है या क्या कार्रवाई करता है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब दिस चैनल। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद।